से टूटे शीशे जो बहने से रोको ना कि मन मर जाए। आई एम सॉरी सर, ये दोनों राइटिंग्स एक जैसी हैं। किसी ने हम दोनों को एक साथ बेवकूफ बनाया है। सर, सुबह से ही आपकी तीसरी कॉफी है। पहले भी पी चुका हूं। खैर, वो वैसे समी ऑफिस आ गई होंगी, उन्हें मेरे पास भेजना जरा। सर वो तो नहीं आई, मैंने भी चेक किया था। हाँ लेकिन उनका इस्तीफा है। बस नाजिश कह रही थी। What? इस्तीफा है? उसे मेल कर दी। कुरैशी साहब को बुलाओ। जाओ कुरैशी साहब को बुलाओ। जी। चुके हैं हम दानीस के एनुअल डिनर पर। हाँ हाँ याद आ गया मुझे। मैं अम्मो की बड़ी वाली बेटी, मैंने पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, याद आया? बहुत प्यारी लग रही थी मैं। हाँ आई बिलीव दो पोनिया भी की हुई थी, है ना? वही हो ना? अब इतनी भी छोटी नहीं अंकल तरा। वैसे आपने अम्मो को कॉल क्यों की? वो दरअसल मिसेस समी आज ऑफिस नहीं आई थी ना, तो इसलिए। असल में अंकल बहुत गड़बड़ हो गई है। वो कार्ड और बुके था ना, वो मैंने और रोशाने ने भेजे थे। रोशाने कौन? रोशाने मेरी छोटी वाली बहन, वो याद है जिसने काले वाले कपड़े पहने हुए थे, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ओके ओके, फिर वो असल में आपने अम्मू को डांट दिया था ना, तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। अब कल पता नहीं किसी इंटरव्यू पे जा रही है, सुना है खासी तगड़ी सैलरी है। What? कहीं और कैसे ज्वाइन कर सकती हैं? अभी नोटिस पीरियड पे हैं और वैसे भी अभी रेजिग्नेशन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया उनका। उनसे कहो हर हालत में कल ऑफिस आएं, सब कुछ उलट पुलट पड़ा हुआ है यहाँ पर। जी जी, जाहिर सी बात है, मेरी अम्मू है ही इतनी हसीन और ग्रेसफुल। आप शर्मा क्यों रहे हैं? प्यार हो गया ना आपको उनसे? रोशानी क्या कहा था? मैंने कहा था ना सही बात की थी। एक्सक्यूज मी। कोई नहीं अंकल तोरा, वैसे भी आप कब तक कुंवारे रहेंगे? आपको पता है ऑफिस में सब आपकी शादी की इजमाई दुआएं करते रहते हैं। आप शर्माते क्यों हैं? बस अम्मू को प्रपोज कर दे, और अगर आप अम्मू से मिलना चाहते हैं और उन्हें देखना चाहते हैं तो आप फिक्र ही ना करें, आप बस हमें बता दें। कृष्णाला आप? अरे अंकल तोरा, बड़ा फास्ट पेस जमाना है, मैं आपको बता रही हूँ, ज्यादा शर्माए मत, बस अम्मू को प्रपोज कर ले, टाइम जाया नहीं करें, हम आपकी मदद करेंगे। ओके बाय बाय। हेलो, अम्मू आपका फोन यहाँ पड़ा हुआ है। और हाँ, अगर जरा सा भी झूठ निकला ना किसी बात में,
तो मैं हता के इज्जत का दावा कर दूंगी आपके पूरे खानदान पर। बस जी मिल गई। क्लॉज नंबर 15 के तहत मिस समी अगर कंपनी से रिजाइन करती हैं, तो उन्हें कंपनी को यकमुश्त 25 लाख रुपए अदा करने होंगे। यस। कि मन मर जाए। सर कुरैशी साहब लंच कर रहे हैं। सुनो, क्या ऑफिस में मेरे लिए इज्तमाई दुआएं होती हैं? जी नहीं, वो मिस नाजिश ने बाहर से खाना मंगवाया है, मैं देख के आता हूँ। सर कितना अच्छा लग रहा है ना? जी अम्मा बिल्कुल। मैं और मेरे दोनों बच्चे, जिंदगी बिल्कुल मुकम्मल है। थैंक यू। अब तुम लोगों की छुट्टियां हो जाएंगी तो देखना, इंशाल्लाह हम लोग टर्की चलेंगे, खूब मजा करेंगे। औरंगजेब नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग फिर भी एक दूसरे के साथ कितना खुश है। तुम लोग खामखा मुझे दूसरी शादी के चक्कर में डाल के जलील ख्वार करना चाहती हो, है ना? अरे यार मैं इसको तो फोन कर दूं, बानो को तुम्हें पता है मैं अपने कमरे का एसी खुला छोड़ा हूं। बॉस की कॉल? हाँ आया था। क्या कह रहे थे? बस ये कह रहे थे कि उन्हें आपका इस्तीफा कबूल नहीं और आपको हर हाल में ज्वाइन करनी पड़ेगी जॉब कल। सर ऐसे कहा था? हाँ कहा तो ऐसे ही था। देख लूंगी उन्हें। भाई मैं यहाँ पे अकेली औरत दो अपनी बच्चियों के साथ बैठी हुई अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ, ये क्या समझते हैं मर्द कि इनके बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है। और वैसे भी औरंगजेब जैसा रोमांटिक मर्द दोबारा पैदा हो नहीं सकते। जाऊंगी मैं ऑफिस और देखूंगी कि मेरा इस्तीफा कैसे कबूल नहीं करेंगे। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पता है कल आप साड़ी पहन के जाइएगा और उससे बता दीजिएगा कि आप कितनी हसीन औरत हैं और तुम अपने आप को समझते क्या हो, उसके मुंह पे इस्तीफा मत। हाँ करिए बिल्कुल। देखिए मोहतरमा, आप तो जाहिर है कि अपनी बेटी की तारीफ में कुलाबे मिलाएंगी, लेकिन इसमें कितना सच है इस बात की गारंटी कौन देगा? मैं खुद छान फटक कर लूंगी, अगर लड़की पसंद आई तो। और हाँ, अगर जरा सा भी झूठ निकला ना किसी बात में तो मैं हता के इज्जत का दावा कर दूंगी आपके पूरे खानदान पर। ठीक है, कल शाम को 6 बजे मैं और मेरे भाई अली तुराब। कोई एहतमाम करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी के घर चाय पीना पसंद नहीं करती। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इतना गंदा क्यों हो रहा है, काम नहीं करते हो ठीक से। जितना तू अपनी गाड़ी को धोता है ना, इतना अगर जरा अपना भुत्ता भी धो लिया होता तो कितना चंगा होता। लो जी फिर एक मिठाई का टोकरा, मतबल बड़े साहब का फिर एक रिश्ता। तुझे क्या पड़ी है? मुझे क्या पड़ी है, बड़े साहब इतने बड़े बल्कि बुड्ढे हो रहे हैं, इस दुनिया में कोई लड़की नहीं मिली उनकी खुर्रा आंट बहन को। खामोश हो जा, खामोश हो जा, नौकरी से निकलेगी क्या, और वो भी जूते का। तो और क्या, बड़े साहब को अभी तक किसी से प्यार व्यार नहीं हुआ, भला ये कैसे हो सकता है? ये खामोश हो जा, इस घर में ना प्यार मोहब्बत इश्क सब हराम है। हैं? भला ये कैसे हराम हो सकता है, तू और मैं भी तो इश्क करते हैं।
और इस दुनिया में इश्क से ज्यादा प्यारी चीज और हो ही क्या सकती है। तू जानता है जब इश्क हो जाए ना तो हर चीज साफ साफ और चमकती हुई नजर आती है, जैसे तेरी ये गाड़ी। बस मरियम दुआ कर बड़े साहब की जल्दी से शादी हो जाए और फिर इस घर में मेरा रौनक आ जाएगी। शादी शादी नहीं बल्कि इश्क। ए मेरे प्यारे अल्लाह मियां, बड़े साहब को प्यार हो जाए, चाहे किसी से भी हो जाए, और उसमें गोटे गोटे डूब जाए। सुन ले बलोरी रखवाले, क्या कर रही है बाजी, देख लेंगे, नहीं करना मरियम। ऐसा दिल तेरे कुरैशी साहब, आपको हमदानीज में काम करते हुए 10 साल हो गए और आप एक मामूली सी क्लॉज नहीं ढूंढ पा रहे। मुझे वो औरत हर हाल में चाहिए, मेरा मतलब है कि ऑफिस में चाहिए। सर बस वही तलाश कर रहा हूं। फटाफट ढूंढे आप। बस जी मिल गई। क्लॉज नंबर 15 के तहत मिस समी अगर कंपनी से रिजाइन करती है तो उन्हें कंपनी को यकमुश्त 25 लाख रुपए अदा करने होंगे। Yes. ये हुई ना बात, और 25 लाख रुपए इकट्ठे वो कभी भी नहीं दे सकेगी। फोन करें, बल्कि फोन ठहरे, आप उसे मेल की थी ना हमें, आप कंपनी की तरफ से ऑफिशियली मेल करें उसे। लिखें, लिखें, मिसेस समिया खान। एक्सक्यूज मी सर, सेठ गफार दानावाला बाहर आपका वेट कर रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं उन्हें अंदर भेज दूं। आज हमारी उनसे डील फाइनल हुई। अभी कहीं इंतजार करें जी। आप देख नहीं रही कि मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं इस वक्त? मिसेस समिया ने रिजाइन दे दिया, कुछ होश है ऑफिस का आपको कि नहीं? लेकिन कुरैशी साहब आप लीजिए। लेकिन सर मैं सेठ गफार को जाके क्या कहूँ? उसे कहो कल आ जाए, परसों आ जाए, अगले हफ्ते आ जाए। लेकिन सर अगर उन्होंने डील कैंसिल कर दी तो? हो जाए, बाहर आ जाए जी। समझते हम इस घर में कुछ हैसियत ही नहीं रखते हैं। बानो, बानो, बानो मेरी ऑरेंज वाली शर्ट कहाँ रखी है? दो घर हमने पहन ली। हाय 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 हाय, क्या हो गया बानो? तरबूज की तरह मुंह क्यों फुलाया हुआ है? कश्माला तरबूज की तरह नहीं, ये गुब्बारा है, गुब्बारा, और वो भी बड़ा वाला। चलो अब जल्दी से हवा निकाले, गुब्बारा की जल्दी निकाले। हमसे तुम बात मत करो, तुम दोनों हमसे। क्यों? तुम दोनों ना बहुत बेशर्मी वाले काम कर रहे हो। क्यों भाई, हमने ऐसा क्या कर दिया शर्म वाला काम? हम तो कोई फेल भी नहीं हुए, मतलब ऐसी क्या बात हो गई? अच्छा आपने मेरे कपड़े लॉन्ड्री किए ना, इसलिए खफा है। ठीक है फिर मैं भी आज के बाद अपने कपड़े खुद ड्राई क्लीनर को दूंगी, कोई जरूरत नहीं मेरे कपड़े हाथ लगाने की। औरंगजेब बाबा, लड़के से जब हम इस घर में आए सारी जिंदगी गुजर गई हमारी इस घर में, हमारे सामने ही उनकी शादी हुई, फिर समिया बीबी को ब्याह के लेके आए। फिर अल्लाह पाक ने औरंगजेब मियां को एक गुड़िया दी, फिर उसके बाद दूसरी गुड़िया दी। अब वही बच्चियां इस किस्म की बातें कर रही ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इतनी बेशर्मी की बातें हमें नहीं अच्छी लग रही। बानो मेरी प्यारी बानो, तो ये बात है। देखें आप अगर अम्मो से सच्ची मोहब्बत करती है ना तो उनके अकेलेपन के लिए कुछ तो करेंगी ना। हाँ तो हम है तो सही समय बीबी के पास तीनों, लेकिन कब तक? और बानो एक ना एक दिन हमारी तो शादी हो जाएगी और हम अपने घर की हो जाएंगी, तो फिर अम्मू का ख्याल कौन रखेगा? एटलीस्ट कोई तो होना चाहिए ना अम्मू के पास। मैं जानती हूँ कि बाबा चले गए, लेकिन मेरा यकीन करें, रोज रात को आके वो मुझे कहते हैं कि मेरी समिया के लिए कोई अच्छा सा हस्बैंड ले आओ, और शरारत होती है मुझे। सच्ची सच्ची, अगर अम्मू की तरह बनकर से शादी हो गई, हम बहुत बड़े घर में जाएंगे।
हाँ बानो, और आपको पता है आपका एक नया कमरा होगा। और एक मजे की बात बताऊँ आपको, वहाँ पे ना एक बड़ी सी कोठी है, वहाँ कोई नहीं रहता सिवाय नौकरों के और पेट्स के। हमें भी लेके जाओगे? जाहिर सी बात है बानो, आपके बगैर कैसे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारी प्लान में हमारा साथ देना होगा बस। डन। ये हॉट न्यूज गाइस, काम छोड़ो और मेरी बात सुनो। इतना ड्रैग मत करो, जल्दी से बताओ। मिस समिया ने रिजाइन कर दिया है। तो इसमें नई बात क्या है? यहां से लेकर खैबर तक सबको पता है। मिस इंटरप्ट, पहले बात सुन तो लो। और हमारे हिटलर सर हमदानी उनकी याद में मछली की तरह तड़प रहे थे। ये लो भाई, आठवां अजूबा। मिस समिया ने अचानक से रिजाइन दिया है तो उनके ना को मसला हुआ। जाहिर सी बात है, तड़पेंगे। सना, चुप हो जाओ और मेरी बात कंप्लीट होने दो। दो दिन का पुराना बुके हिटलर ने अपने कवारे हाथों से खुद वास में लगाया है। नहीं नहीं, ये देखें। मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर इस बात की ताईद करता हूँ कि नाजिश जो कुछ कह रही है लफ्ज ब लफ्ज सही है। बहुत सुबह से अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हैं। कोई गड़बड़ जरूर है। गुलदान का पानी भी मुझ खाकसार से मंगवाया गया और मुरझाए हुए फूलों को ताजा किया गया। थैंक यू कुरैशी साहब, आपने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। अगर वो क्लॉज ना मिलता तो मैं तो मारा जाता। आपकी प्रमोशन ड्यू है, कल आके मैं प्रोसेस में डालूं। आई आई आई, सामान मेरा बैग ले आओ। आई आई, अब देखता हूं मोहतरमा कैसे ऑफिस नहीं आती। 25 लाख कहां से देगी वो इकट्ठे? कल ही। और क्या, ना मैंने कुछ लिया ना दिया, खाम खाम में जूतों समेत मेरी जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश कर रही है मोहतरमा। हेलो, अरे हेलो, कौन हो आप? आवाज से बुजुर्ग खातून मालूम होती हैं। यूं क्रैंक कॉल्स करते हुए आपको शर्म नहीं आती? क्रैक? क्रैक किसको कहा है? क्रैक हो गए तुम, तुम्हारा खानदान, तुम्हारे होते सोते, तुम्हारी मजाल कैसे हुई हमें वर्णों को। हेलो, हेलो, जमाना खराब है, इसको हम अच्छी तरह से सुनाते हैं भी। अरे ठहर जाओ ना, है? अरे बात नहीं करने दी, तौबा है। अरे थोड़ी देर बात करने देती फिर हम बताते इसको। हमें क्रैक कह रहा है। हेलो हेलो तौरा अंकल, सॉरी सॉरी, मैं आपको मिस कॉल दे रही थी बानो के फोन से। मैं कश्माला। कौन बानो? लगता सारा खानदान ही पागल है। बानो? आप बानो को नहीं जानते? हैरत है, वो हमारी नानी दादी सहेली पुप्पो खाला सब कुछ है। आपको पता है बाबा को भी उन्होंने ही पाला था। क्या काम था आपको? असल में काम ये था बाबा, सॉरी तौरा नहीं नहीं फ्यूचर बाबा। अम्मो इस वक्त अपने कमरे में अकेली बैठी। तो क्या, कॉल करें उन्हें, लाइक करते ना आप, और आई लव यू शाय लव यू बाद के लिए छोड़िएगा। सॉरी मैं इस वक्त बिजी,
अल्लाह हाफिज। कौन है? है? हेलो हेलो, बात सुनो मेरी। हाँ बात सुन, ये आई लव यू किसको कह रही? अरे मेरी बानो, तुराब अंकल को प्रैक्टिस करवा रही थी। तुराब अंकल हमारे फ्यूचर बाबा और आपके साहब, ये बगर ये वाला हम भी जाएंगे। चले, अगर अवॉइड करना चाहती हैं तो कल से आप। नो वे, मैं अब जॉब पर नहीं आऊंगी। मैं 25 लाख का बैंक ड्राफ्ट आपकी कंपनी के नाम बनवा कर भिजवा दूंगी। थैंक यू। रुको गुलनार, इससे कहो कि पांव अच्छी तरह से धोकर आए। बेगम बाजी, साफ तो है, देखें। हमने खुद तुमको पार्किंग में नंगे पांव खड़े देखा है, सलीम के साथ। रुको, तुम्हारा सलीम से क्या रिश्ता है? जी वो अभी तो कुछ नहीं, आगे। हमने पूछा कि इस वक्त तुम्हारा सलीम से क्या रिश्ता है? गुलनार, इसको अभी के अभी नौकरी से फारिग करो। तुमने इसको बताया नहीं कि इस कोठी के मकीनों के लिए प्यार व्यार जैसे झूठे अल्फाज इस्तेमाल करना हराम है। बेगम बाजी, आप बेरहम ही नहीं बल्कि बेहिस भी हैं। आपके सीने में दिल की जगह पत्थर फिट हुआ है, और अगर निकालना ही है तो सलीम को भी निकालें। अच्छी बात है, हम इस कोठी में ना सही, हम इस कोठी के बाहर ही मिल लेंगे। अरे तो छोड़ दो मुझे, देखना मैं उससे शादी भी करूंगी और आपके सामने इस कोठी में बंगड़े भी डालूंगी। और मैं तो मैं बल्कि आपका बेटा और आपका भाई भी खूब नाचेंगे मोहब्बत की थाप पर। गुलनार, तनख्वाह तो दरकनार, इसको अभी के अभी धक्के मार के कोठी से बाहर निकालो, वरना पुलिस को बुलवाकर चोरी के इल्जाम में पकड़वा देंगे हम। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, मैं होश में था। What? 25 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा? ये अली तो आप आधा पागल तो था ही, लगता है पूरा पागल हो गया है। ये जहर मेरे लहू में उतर गया। इस वक्त बिजी हूँ मैं। तो फारिग मैं भी नहीं हूँ। आपने मुझे 25 लाख रुपए का जुर्माना लिखा है? हाँ, कंपनी पॉलिसी है, बोर्ड का फैसला है कि अगर कोई ऐसे रिजाइन कर देगा तो उसको ये पैसे भरने पड़ेंगे। अगर अवॉइड करना चाहती हैं तो कल से आप। नो वे, मैं अब जॉब पर नहीं आऊंगी। मैं 25 लाख का बैंक ड्राफ्ट आपकी कंपनी के नाम बनवा कर भिजवा दूंगी। थैंक यू। तो ठीक है ना, अगर 25 लाख का नुकसान पूरा करिए तो मुझे क्या प्रॉब्लम है?
आखिर ये बदजबान इंसान अपने आप को समझता क्या है? 25 लाख रुपए, इसे मेरी हैसियत का बिल्कुल अंदाजा नहीं। कहां से लाऊंगी मैं? भाईजन को ही फोन करना पड़ेगा। 10-15 लाख रुपए तो मेरे अकाउंट में भी होंगे। अभी तो 8 ही बजे होंगे दुबई में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? कश्माला, लाइट ऑफ करो ताकि अब मैं सुकून से सो सकूं। कुछ सोच रही हूं। तो तुम लाइट ऑफ करके नहीं सोच सकती क्या? नहीं, क्योंकि सोचने के लिए दिमाग के साथ साथ बल्ब का जलना जरूरी है। अच्छा, बाय द वे, हम अम्मू के कमरे में क्यों नहीं सो रहे आजकल? यू सिली सिली गर्ल, अम्मू को किसी भी वक्त और आप अंकल की कॉल आ सकती। सो व्हाट, वो तो अम्मू के बॉस हैं या के? पता नहीं, जो भी है, मतलब इसमें अम्मू का अकेले रहना क्यों जरूरी है? ए, मेरी जान, तो गुड बात, तुम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर ना दो, तुम सो जाओ तुम, और तुम्हें सब बता दूं, मैं बेस्ट फ्रेंड बना लूं। अरे अम्मू इस वक्त अपने फ्यूचर हस्बैंड से रोमांटिक बातें कर रही होंगी फोन पे, शायद गाना शाना भी चल रहा हो। I to I. चलो, अच्छा हुआ तुमने कॉल कर ली, सबकी खैरियत मालूम कर ली। चलो बच्चों को प्यार देना मामू की तरफ से। हाँ वो भाईजान, दरअसल आपसे एक काम भी था। अब काम? हाँ हाँ बोलो, तभी तो तुमने इतनी महंगी कॉल की है ना, हमें कोई ना कोई काम तो यकीनन होगा। वो भाईजान मुझे दरअसल, समय अब कोई भी काम कोई भी खिदमत हो तो बताना, मगर पैसे मत मांगना। हाँ मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हारी भाभी को नया नया लाइसेंस मिला है, उन्होंने गाड़ी ठोक दी। भाभी ठीक तो हैं? हाँ, उनको छोड़ो, गाड़ी का बड़ा नुकसान हो गया है, पूरे 15,000 धर्म लग गए, नई गाड़ी लेनी पड़ेगी मुझे। अच्छा तुम काम बताओ, क्या कह रही थी? जी नहीं, वो काम ही था बस, मैं पूछना चाह रही थी कि आप लोग कब आएंगे। भाई अब नौकरी का यहाँ कुछ पता नहीं है कब खत्म हो जाए, अब पाकिस्तान आए तो ठहरे कहाँ, अब्बा जान के मकान पे तो माँ बेटियों ने कब्जा जो करके रखा है। नहीं भाईजान ऐसी तो बात नहीं है। अरे तुम्हारी ठीक ठाक नौकरी है, उससे पैसे जमा करो, और वो औरंगजेब ने जो बच्चों के लिए प्लॉट लेके रखा था ना, उसपे मकान बनाओ और मूव होने की तैयारी करो। जी भाईजान। देखो पूरी दुनिया में नौकरियों की काल पड़ी है, अगर मुझे यहाँ दूसरी नौकरी नहीं मिली तो मैं तो फौरन ही पाकिस्तान मुंतकिल हो जाऊंगा, और तुम्हें हाथों हाथ वो मकान खाली करना पड़ेगा। ठीक है, खुदा। छम से टूटे शीशे जो मेरी जॉब पर कोई इमरजेंसी हो गई है, 10 लाख रुपए फौरन चाहिए, जल्द लौटा दूंगी।
मैसेज? ऑफिस में इमरजेंसी हो गई है और मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। 10 लाख? कल ही तो ज्वेलरी बुक करवाई है, कल ही पैसे भी देने पड़ेंगे। और मिसेस सुल्तान, उनकी बर्थडे पार्टी में क्या मुंह लेके जाऊंगी अगर ज्वेलरी पहन के नहीं गई? और समिया, समिया को तो ज्वेलरी का कोई सेंस ही नहीं है। पर खैर है, अपनी दोस्त है, कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। सॉरी समिया, वेकेशंस पे गई हुई थी, अभी पॉसिबल नहीं है। जरका तो हमेशा की कंजूस है, यही उम्मीद थी मुझे उससे। सुबह बैंक जाके कोशिश करूंगी, मेरे मैसेज का वेट करना। यस इतना अहम हो गया आपकी जिंदगी में कि उसके इस्तीफे की वजह से आपकी यह हालत हो गई? गुलनार, गुलनार, जी 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 बाजी। हमने तुम्हें 2 मरतबा आवाज दी, पहली आवाज पर क्यों नहीं आई? क्या किसी की याद में आहें भर रही थी जो हमारी आवाज कानों में नहीं गई? और ये क्या मिट्टी? घर में मालिकों से ज्यादा मुलाजिम है, फिर भी घर साफ नहीं होता। लाना था ऐसे मुलाजिमों पर। किसकी जिम्मेदारी है झाड़ पोछ की? पाजी बेगम, मरियम की। कहाँ है वो? बुलाओ उसको फौरन, अब भी। पाजी बेगम, आपने कल उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। इसी लायक थी वो, उस हर्राफा की जगह किसी पाकीज़ा मुलाज़िमा को रखो, समझी? जी। सुबह बखैर अली तुराब। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है आपकी? जी ठीक है। कुछ परेशान लग रहे हैं आप।
जी वो ऑफिस की कुछ उलझन है जो सुलझ कर नहीं दे रही। कैसी उलझन? हमें बताइए ना, सारा जमाना हमारी अक्ल और सूझबूझ का कायल है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? इतना ज्यादा जैम आपने लगा लिया तो उस पर क्या शाही टुकड़े बना के खाने का इरादा है? वो दरअसल ऑफिस में किसी ने रिजाइन दे दिया है। किसने? कौन इतना अहम हो गया आपकी जिंदगी में कि उसके इस्तीफे की वजह से आपकी ये हालत हो गई? मिसेस अमिया बहुत ही मुख्तलिफ और अकलमंद खातून है, बहुत ही होशमंद भी। ये रिजाइन करना, रोना धोना, जज्बाती फैसले करना, ये तो घरेलू और कमजोर औरतों का काम है। एम आई राइट?